भारत में कहीं पर भी दंगे हो धारा 144 का उपयोग हर जगह किया जाता है। यह धारा किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 से अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाती है। यह जिला मजिस्ट्रेट और उप विभागीय मजिस्ट्रेट को या अधिकार देती है कि वो हिंसा व उपद्रव की स्थिति में इस धारा के तात्कालिक प्रावधानों को लागू करें। धारा 144 की विशेषताओं के बारे में बात करें। नंबर 1, ये किसी भी व्यक्ति के उस क्षेत्र में आवागमन को बाधित करती है या फिर उन पर रोक लगाती है और साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर देती है। नंबर 2, इसमें किसी भी जुलूस सभा और जनसभा करने पर मनाही होती है। नंबर 3, ये उस क्षेत्र में हथियारों को रखने और हथियारों के आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाती है। हथियारों के आदान प्रदान में दोषी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा होती है। नंबर 4, इस धारा से इंटरनेट की सप्लाई को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। नंबर 5, इस धारा का अंतिम उद्देश्य हिंसा वाले क्षेत्र में शांति की स्थापना करना है। धारा 144 की अवधि की बात करें तो ये लगभग 2 महीने तक रहती है। राज्य सरकार अगर चाहे तो इसे 2 माह के लिए बढ़ा सकती है। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह ही होती है। कुछ लोग धारा 144 और कर्फ्यू को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, धारा 144 जहाँ 4 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाती है, वही कर्फ्यू जनता को एक निश्चित समय के अंदर अपने घर में रहने के लिए कहती है। कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकान को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान, दुकानें, कॉलेजेस बंद रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको धारा 144 के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा।